आप सब, उम्मीद है कि आप सब एकदम अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अब जैसा कि आप सबको पता है, मैं जस्ट अपने छत पर आ गई हूँ क्योंकि यहाँ का व्यू मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हमने सोचा चलो छत पर थोड़ी देर आप सभी से बात कर लेती हूँ और आप सभी के साथ आज मैं क्या शेयर करने वाली हूँ चलो आपको बता देती हूँ। मेरे भाई ने मुझे क्या गिफ्ट दिया हुआ है स्पेशली रक्षाबंधन पे, चलो मैं आप सभी को दिखाती हूँ कि मुझे गिफ्ट में क्या मिला है। तो चलो मैं छत पर से चलती हूँ भी नीचे और आपको दिखाती हूँ, तो चलो चलते हैं। तो सबसे पहला गिफ्ट है मेरे भाई की तरफ से, ये उन्होंने मुझे ये गिफ्ट में दिया था। तो आपका इंतजार फाइनली खत्म हुआ। तो इसमें मेरे भाई ने मुझे दिया हुआ है काफी प्यारा सा ये सेट, कप और ग्लास का सेट है, जो कि मुझे बहुत पसंद, दो कलर में है, पिंक एंड येलो कलर और वाइट, तीन कलर में है। इसकी डिजाइनिंग बहुत ही खूबसूरत है। तो अभी इसकी जो पैकेजिंग है ओपन नहीं हुई है, आप देख सकते हो, ये देखो। उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, तो ये मेरे बहुत काम का चीज है क्योंकि मैं ब्लॉग बनाती हूँ, कभी कभी मैं कुकिंग रेसिपी वगैरह शेयर करती हूँ ना, तो उसमें मुझे हेल्प मिल जाएगी। वैसे भी मुझे कांच की कोई भी चीज बहुत पसंद है, लाइक कप हुआ, प्लेट हुआ एंड कुछ भी हो, मुझे कांच की चीजें बहुत अच्छी लगती है। तो चलो सेकेंड गिफ्ट दिखाती हूँ मेरे भाई का क्या था। और हाँ, वैष्णवी को क्या गिफ्ट मिला था वो मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ, रनू ने उनको क्या दिया था। एक्चुअली मैंने रखा हुआ था कप और प्लेट, तो प्रणीत ने वही उठा के वैष्णवी को गिफ्ट कर दिया था, बाय मिस्टेक हो गया था। गिफ्ट की जो पैकेजिंग है वो चेंज हो गई थी और वैष्णवी के लिए कपड़ा आया हुआ था वो देना था, और बाय मिस्टेक इन्होंने ले लिया था कप प्लेट, तो वही दे दिया। तो हमने वैष्णवी को बोला कि तुम्हारा गिफ्ट यही है और उसको मैं रख लेती हूँ। फ्रेंड्स, रनू को ये तोहफा देना था वैष्णवी को। मार्केट हम लोग गए थे, लेके आए थे, लेकिन एक्चुअली उसकी बॉक्स जो है चेंज हो गई थी, उन्होंने उठा के दे दिया था वैष्णवी को कप। तो चलो इसमें दिखाती हूँ कि क्या है फाइनली वैष्णवी का तोहफा। चलो इसे ओपन करते हैं। वैसे इसमें कपड़े हैं, मैं पहले से ही बता दे रही हूँ, तो दिखा देती हूँ ओपन करके। तो यहाँ पर वैष्णवी के लिए आया हुआ था टी शर्ट और पैंट, क्योंकि वो पैंट फ्रॉक नहीं पहनती है, इसलिए उनके लिए लिया गया था पैंट। आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का इसका कलर डिजाइनिंग, आप देख सकते हो, और टी शर्ट था ब्लैक कलर का जो कि कुछ इस तरीके से था। तो उसकी डिजाइन कैसे लगी आप लोगों को अगर पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। तो पीछे के डिजाइन कुछ ऐसे है, इस पे भी कुछ प्रिंट वगैरह दिया गया है और आगे में कुछ डिजाइनिंग सी मुझे बहुत पसंद आई। वैसे ब्लैक कलर मुझे बहुत पसंद है क्योंकि रंग नहीं बदलता तो इसीलिए। फ्रेंड्स, सबसे अनमोल और कीमती तोहफा मेरे भाई का ये है, जो कि आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत इसकी पैकेजिंग है। तो आप गेस करके बताइए इसमें क्या होगा। चलो इसे ओपन करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि फाइनली इसमें मेरे भाई ने मुझे क्या गिफ्ट दिया है। चलो दिखाते हैं। तो ये देखिए, फाइनली ये है गणपति बप्पा का लॉकेट, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए इसकी डिजाइनिंग। तो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। कैसे लगा बताइएगा जरूर, ये मुझे बहुत पसंद है। अभी मेरे पास ऑलरेडी है मेरे पास लॉकेट, तो मैं इसे भी रख दूंगी, कोई ओकेजन होगा या फिर कोई वेडिंग सीजन कुछ चल रहा होगा तब पहनूंगी, उसमें मेरे बहुत काम आने वाला है, जो कि बहुत ही प्यारा तोहफा है मेरे भाई की तरफ से। आप लोगों को कैसे लगा ये बताइएगा जरूर, अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यही वो गिफ्ट था जो हम लोगों को स्पेशली रक्षाबंधन पे मिला हुआ था। तो आपको हमारा ब्लॉग कैसे लगा बताइएगा जरूर, और गिफ्ट कैसे लगा ये भी बताना। चलो मिलती हूँ आप सबने एक नए वीडियो के साथ, तब तक।